सबसे पहले जान लेते हैं बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक्चुअली एक डिजिटल करेंसी है जो कि एक खास टेक्नोलॉजी पे आधारित है जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी पिछले 2-3 साल के अंदर सामने आई है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये जो बिटकॉइन है ये इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। एक तरह की करेंसी है ये जो कि डिजिटल फॉर्म में है। जैसे आपने देखा पिछले सालों के अंदर हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हर चीज जो है वो फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में आती जा रही है, चाहे वो हमारे स्टॉक मार्केट के स्टॉक हो, चाहे आपकी शॉपिंग हो, चाहे जो भी चीज हो। आज से बहुत सालों पहले हम पोस्ट कार्ड भेजा करते थे या चिट्ठी भेजा करते थे, धीरे धीरे ईमेल आ गई, आजकल आपके हाथ में व्हाट्सएप जैसी चीज है जिससे आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में अपना संदेश पहुंचा सकते हो। आज से काफी साल पहले ये अगर किसी को कहा जाता कि ऐसा हो सकता है तो वो आदमी कहता आपका दिमाग खराब हो चुका है। एक तरह की साइंस फिक्शन थी ये, एक तरह की सोच, एक ख्याली पुलाव कि ऐसा कभी होगा, लेकिन कोई उसे मानता नहीं था। लेकिन आज हम उस हकीकत में हैं कि ऐसा हो रहा है। ये था कॉन्टेक्स्ट आपको समझाने के लिए कि हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी किस तरह से इंटरफेरेंस कर रही है। ये जो बिटकॉइन है ये इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। आज से 2-3 साल पहले ये शुरू हुआ, तब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसको कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट छापती नहीं है इसको। जैसे हर देश का अपना रुपया होता है वैसे ये नहीं है, ये एक ऐसा पैसा है जो कि डिजिटल फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है कहीं पे भी, और इसको लाखों लोग जो है वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ ये पैसा है। जैसे आपका पैसा आपकी सरकार ऑथेंटिकेट करती है, आपके गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसे ही ये एक जो बिटकॉइन है इसको लाखों लोग जो हैं ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये करेंसी वैलिड है। आज से 3-4 साल पहले जब ये शुरू शुरू में आई थी तब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, तब लोगों को समझ भी नहीं आया एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी है क्या। और आज की तारीख में भी कोई आदमी शायद ही ऐसा हो जिसको पूरी तरह से ये समझ हो कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, और मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में कि इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में मुझको ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कॉमन सेंस इस तरह की चीजों में कैसे काम करती है और हमको करना क्या चाहिए। एक्चुअली बिटकॉइन एक खाली नाम है, लेकिन ऐसा कल को कुछ और भी हो सकता है, तो हमको उसको अप्रोच कैसे करना है, कॉमन सेंस क्या कहती है इस बारे में, ये चीजें कैसे काम करती हैं, और अगर हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो ऐसी चीजों के अंदर क्या हुआ है, हम उस कॉन्टेक्स्ट की बात आज यहां कर रहे हैं, ना कि इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है और ये कैसे काम करती है, हम इसकी बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल आप सुन रहे होंगे कहते हैं कि बिटकॉइन जो है एक बहुत बड़ा बबल है, वो किसी भी दिन फट जाएगा, आज इसके अंदर इतनी जो तेजी आ रही है उसके पीछे सब हवाबाजी है। कहीं हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन मुझे लगता है अभी इस बात को इतनी स्ट्रांगली कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। बिटकॉइन इटसेल्फ तो बबल है कॉमन सेंस के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के हिसाब से बिटकॉइन इटसेल्फ तो बबल लग रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो बबल नहीं है, वो सच्चाई है, और वो सच्चाई मुझे लगता है लोगों को समझनी चाहिए। बिटकॉइन जो है वो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक करेंसी है, लेकिन अगर वो करेंसी के अंदर किसी तरह से स्पेकुलेशन हो रही है या कुछ बड़े सट्टेबाज घुस गए हैं उसके अंदर, उसका रेट चढ़ाया जा रहा है, तो वो बबल हो सकता है, और उसकी चाल से लग भी रहा है कि वो बबल है। आज फटेगा, आज से 1 साल बाद फटेगा, किसको नहीं पता, लेकिन जो उसके पीछे टेक्नोलॉजी है
उसको हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये बबल है, ये है, ये वो है, एक्चुअली उनके पास खुद के पास नहीं है, वो ले नहीं पाए, वो छूट गए, वो देख रहे हैं कि 1 साल में 17 गुना हो गया है ये। आज से 1 साल पहले करीबन $1,000 के आसपास था, आज की डेट में $17,000 का एक बिटकॉइन है। आप सोचिए 17 गुना अगर एक चीज हो गई है, वहां पे एक तरह की लेफ्ट आउट फीलिंग होती है कि काश मैंने ले लिया होता, क्योंकि आंखों के आगे तो सबके था, मेरे भी था, आपके भी था, लेकिन उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको लेने की और वो छूट गया। तो अब वो जो छूटा हुआ जो आदमी है वो बोलता है ये बबल है, ये फट जाएगा। एक्चुअल में जो इस तरह की चीजें होती हैं जो बिल्कुल सीधी राइज करती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके बहुत तेजी से नीचे भी आती हैं। ये एक तरह की सच्चाई है। आज जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो तो अगर आप ऐसे चढ़ रहे हो तो आपकी यात्रा बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि वो पहाड़ बहुत ऊंचे तक जा रहा है। लेकिन जब पहाड़ खत्म होने वाला होता है वो ऐसे हो जाता है, वो बिल्कुल सीधी चढ़ाई हो जाती है जब वो खत्म होने वाला होता है। ये जो रूल है हमारी जिंदगी के अंदर, ये हर चीज पे लागू होते हैं। जिस चीज की चढ़ाई सीधी हो जाएगी उसके बाद उसकी उतराई भी उतनी ही सीधी होगी, क्योंकि सीधी चढ़ाई के बाद सीधा नीचे खाई का रास्ता ही आता है। अब उस चढ़ाई में हम यहां पे हैं, हम यहां पे हैं, हम यहां पे हैं, या हम यहां पे हैं, ये किसी को भी पता नहीं। आज की डेट में $17,000 का जो बिटकॉइन है, पता नहीं वो $40,000 पे नीचे जाएगा, $60,000 पे आएगा, या $1,00,000 पे आएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि इस तरह की चढ़ाइयां ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, और इसमें जब भी फॉल आता है तो वो लगभग सारी तेजी को बहुत ही कम टाइम में खत्म कर देता है। ये तो हुई भाव की बात, कि भाव जिस तरह से बिहेव करता है, और जो भाव है बिटकॉइन का उसकी चाल देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी तेजी जो है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने कहीं पे जाके इसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। इसलिए जो छोटा ट्रेडर है जो कि इस समय आकर्षित हो रहा है, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब थोड़ा सा दूर रहने की बात एक्चुअली 1 साल से की जा रही है और 1,000 का 18,000 हो चुका है, लेकिन आपको डिसिप्लिन मानना होता है। आप इस तरह से रिस्क नहीं ले सकते अगर आपको उसकी समझ नहीं है, या आप तेजी से बाहर नहीं आ सकते। अगर आपको लगता है आप में इतनी एफिशिएंसी है कि आप तेजी से बाहर भी आ सकते हैं, तो इस समय भी उसके अंदर एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको तेजी से बाहर आना होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें कब घूम जाती हैं, किसी खास इवेंट से घूमेगी। एक ही दिन में आप देखेंगे 20% 30% वो नीचे गिर गई, वहां पर भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं रुकूं या नहीं रुकूं, वहां पर आपको एग्जिट करनी होगी। अगर इतना आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप आज भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग टीवी पे न्यूज़पेपर में आके आपको कॉशन कर रहे हैं कि इसके अंदर अभी नहीं जाना चाहिए, मैं भी वही कर रहा हूं, लेकिन ये सलाह उन लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं। अब आते हैं हम इसके दूसरे पक्ष पे कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका भविष्य क्या है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत समझ है जो मैंने जानकारी हासिल की है इंटरनेट से, इसके अलावा कोई डीप समझ मुझे नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये जरूर समझ में आया है कि ये कोई ऐसी चीज है जो आने वाले टाइम में पेमेंट सिस्टम का फ्यूचर बन सकती है। आज की डेट में पेमेंट जब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को, उसमें एक खास तरह की टेक्नोलॉजी दी जाती है जिसके अंदर ऑथेंटिकेट होता है कि ये आदमी ने पेमेंट इस आदमी को भेजी है, और उसमें बीच में एक आदमी होता है, चाहे वो आपका बैंक हो चाहे कोई भी और हो, जो कि ऑथेंटिकेट करता है कि ये आदमी से पेमेंट आ रही है और इस आदमी को जा रही है। आज आप एक शहर से दूसरे शहर में अगर पेमेंट भेजते हैं इंडिया के अंदर ही, तो आपकी कुछ सेकंड्स में या कुछ घंटे में आपकी पेमेंट पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप एक देश से दूसरे देश में पेमेंट भेज रहे हैं, उसमें समय लगता है, क्योंकि आपका यहां का बैंक वहां के बैंक से आपस में कनेक्टेड होता है। आप अपनी पेमेंट यहां पर डालते हैं, फिर वो दूसरे बैंक में डालता है जो दूसरी कंट्री का बैंक है, वो उस कंट्री के बैंक में उस आदमी का खाता है, तो उस खाते में पैसे पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि दोनों बैंक जो हैं वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि हमारा आदमी भेज रहा है और आपके आदमी तक ये पेमेंट पहुंचनी चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके अंदर एक आदमी दूसरे आदमी को पेमेंट भेज सकता
सकता है बिना किसी इंटरमीडिएटरी के। आप डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि इसके अंदर कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप दुनिया के किसी भी कोने में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। आज अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को लगभग सारे बैंक अपनाना शुरू कर देंगे तो आप ये सोचिए कि आपकी पेमेंट जाने की जो स्पीड है वो कितनी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी कितनी बढ़ जाएगी और जो कॉस्ट है वो कितनी कम हो जाएगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, इनको अंदर से घबराहट भी है इस तरह की टेक्नोलॉजी से कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आज की डेट में ये पेमेंट ट्रांसफर करने के जो पैसे ऐंठते हैं वो ऐंठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और जो दूसरी तरह के लोग हैं जो हर चीज की बुराई करते हैं हमेशा कि ये आया है ये खराब है, ये आया है ये लोगों को डुबा देगा, ये आया है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इतिहास में जाएंगे आप देखेंगे हर नई चीज जब भी आई है इस तरह के कुछ ग्रुप जरूर आए हैं, इस तरह के कुछ लोग जरूर आए हैं जिन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया है। मैंने एक बात नोट की है कि जब भी किसी चीज को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया जाता है उस चीज में जरूर कुछ ना कुछ होता है, और यही चीज मुझे इस टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लग रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं इसकी ऑपोजिशन में खड़े हैं क्योंकि उनको खाली बिटकॉइन दिख रहा है, उनको टेक्नोलॉजी नहीं दिख रही, क्योंकि उनको लगता है इस टेक्नोलॉजी पे आधारित जो करेंसियां हैं वो सारी की सारी स्पेकुलेटिव हैं। आज की डेट में आप लोग एक नाम जानते हो खाली बिटकॉइन, इसके अलावा सैकड़ों और तरह की करेंसियां डिजिटली फॉर्म में स्टार्ट हो चुकी हैं और वो चल रही हैं। तो जो नेगेटिव टाइप के लोग हैं या कहीं ना कहीं इस तरह के जो लोग हैं हर चीज की बुराई करते हैं, मुझे लगता है इस बारे में थोड़ी सी जल्दीबाजी कर रहे हैं। उनको समझना होगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है हम लोगों को उसकी समझ कम होती है और हमारी इमेजिनेशन काम नहीं करती कि ये टेक्नोलॉजी आगे क्या कर सकेगी। यहां पर आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आज से काफी साल पहले जब इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्टार्ट हुई होगी उस समय की स्टोरी है, ये मालूम नहीं असली है कि झूठी है लेकिन हमारे इस टॉपिक से मैच करती है। आज से काफी साल पहले जब इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्टार्ट हुई तो दो लोगों ने मिलकर इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाई और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी सब जगह कि हमने ऐसी ट्रेन बनाई है जो बिजली से चलती है। उस समय तक सारी ट्रेन जो है वो कोयले से या पानी की भाप से चलती थी तो कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। लोगों ने कहा यह ट्रेन चल ही नहीं सकती, ये ट्रेन कभी चलेगी नहीं क्योंकि बिजली से कैसे ट्रेन चल सकती है, बिजली में तो तार चाहिए होती है, बिजली में तो ये दिक्कत है, बिजली में तो वो दिक्कत है, उसमें तो आग होती है, उसमें तो करंट होता है, कोई आदमी उसमें बैठ नहीं पाएगा, सारी गाड़ी में करंट आ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। उन दोनों लोगों ने एक ट्रायल रन रखा एक दिन और सबको बुलाया, अखबार वालों को भी बुलाया कि आप आइए हम आपको ट्रेन चला के दिखाएंगे कि बिजली से ट्रेन चलती है। उसमें वो लोग भी गए जो कि उस ट्रेन की बुराइयां कर रहे थे, उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। उन लोगों ने कहा कि अब हम ट्रायल स्टार्ट करने वाले हैं, आप सब लोग दिल थाम के बैठिए। उन्होंने अपना ट्रायल स्टार्ट किया और ट्रेन जो है वो चल पड़ी। ट्रेन चली तो जो लोग देख रहे थे उनको हैरानी हुई क्योंकि अब तक वो बोलते आ रहे थे ये चल ही नहीं सकती, इसमें दिक्कत आएगी। तो उन्होंने उसके बाद ट्रेन चलने के बाद बोलना शुरू कर दिया, अच्छा ये चल गई अब ये रुकेगी नहीं। नेगेटिव लोग हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि कोई भी नई चीज जब आती है उस पर विश्वास आसानी से नहीं होता। आपको रैशनल तरीके से सोचना है, थोड़ा सा समय देना है उसको, उसको देखना है कि क्या ये चीज सही है। आज से 30-40 साल पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये क्या है, ये इससे क्या होगा, इससे क्या बन जाएगा। आपने देखा सन 2000 के अंदर जो .com का बबल, उसको भी बबल कहा जाता है एक्चुअली क्योंकि वो भी ऐसे ही चला था, सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां कई कई गुना हो गई थी, लोगों को लगता था पता नहीं ये क्या कर लेंगी। वो सॉफ्टवेयर कंपनियां एक टेक्नोलॉजी पे आधारित थी जो कि इंटरनेट था, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने उन कंपनियों को इतना चढ़ा दिया, इतना बड़ा बबल क्रिएट हो गया कि सन 2001 में वो सारी कंपनियां जमीन पे आ गई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या आप देखिए, वही इंटरनेट आज आपकी जिंदगी है क्योंकि वो जो कंपनियां थी एक तरह से वो बिटकॉइन थी
और जो टेक्नोलॉजी थी वो इंटरनेट थी। तो जो भाव चढ़ा उन कंपनियों का चढ़ा, एक तरह से गुब्बारा बना उन कंपनियों का बना, और वो गुब्बारा फूटा, जो कि इसमें बिटकॉइन में भी होगा, मालूम नहीं है आज होगा 6 महीने बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट, वो खत्म नहीं हुई, और वो टेक्नोलॉजी आज भी जिंदा है, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आने वाले 50 साल तक चलती रहेगी। आज आपको ये बात समझनी होगी कि बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो बबल बिटकॉइन में है, ना कि टेक्नोलॉजी में है। हमको टेक्नोलॉजी देखनी है कि वो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, और मुझे लगता है वो टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर में पेमेंट ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा माध्यम बन सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, अभी मुझे भी ढूंढना है, अभी मुझे भी सीखना है, लेकिन पहली नजर में जो लग रहा है, कॉमन सेंस जो कह रही है, वो ये कह रही है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे आने वाले टाइम में पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिक्योर हो जाएंगे। कोई भी नई चीज जब आती है उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। आज से 10-20 साल पहले जब अमेज़न जैसी कंपनी आई होगी, या आज से कुछ साल पहले इंडिया में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी आई होगी, तब भी बहुत सारे लोगों को शक हुआ होगा कि दुकान हवा में कैसे हो सकती है, कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं कहीं पे, दिख तो कुछ रहा नहीं है। हमें आदत है दुकान देखने की कि हाँ एक ऐसी रूम होगा, उसमें एक आदमी सेल्समैन खड़ा होगा, वो आपको सामान देगा और आपसे पैसे लेगा, लेकिन ऐसी दुकान होगी जो कहीं है ही नहीं, और वो सारी दुनिया का सामान बेचती है और उसकी सेल सबसे ज्यादा है। एक्सेप्टेंस आसानी से नहीं आती है, हर चीज को आने में समय लगता है, लेकिन आप देखिए टेक्नोलॉजी ने क्या 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 किया है। आज फेसबुक भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप लाखों लोगों तक अपनी बात एक क्लिक में पहुंचा सकते हैं। ऐसा पहले था? नहीं था। अगर उस समय किसी को यह कहा जाता कि ऐसा पॉसिबल है, तो वो आदमी आपकी बात का जिंदगी में यकीन नहीं करता और उसको लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। उस जमाने में जब ट्रंक कॉल करनी पड़ती थी यहां से कलकत्ता फोन करने के लिए भी, और एक दिन बाद आपका नंबर आता था, आपको अगर कोई ये कहता कि आपकी जेब के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे दुनिया के किसी भी कोने में आप एक सेकेंड में बात कर सकते हो, तो आप नहीं मानते। आपको उस समय यह कहा जाता कि आपके पास एक ऐसी चीज होगी, आप जो भी लिखोगे सामने वाले को लाइव नजर आएगा। उस पोस्ट कार्ड के जमाने में, उस चिट्ठियों के जमाने में अगर आपको ये कहा जाता, आप कभी नहीं मानते। चीजें बदल जाती हैं, हमको टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना है, उसको समझना है और अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस पूरे वीडियो का मेरा जो मकसद था बनाने का, वो ये था कि आपको ये बताऊं कि बिटकॉइन एक्चुअली में खुद तो बबल हो सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है वो बबल नहीं है। वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को बदल सकती है, इसलिए उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लोग ज्यादातर हर चेंज को, कोई भी चेंज होता है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई भी नई चीज आएगी, हमेशा ऐसा हुआ है, आगे भी होता रहेगा, आप उसे हमेशा पहली नजर में अंडर एस्टिमेट करोगे, हमेशा ये सोचोगे कि इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा, लेकिन आगे जाके आप खुद उसी का इस्तेमाल करोगे। आज आप जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, आज से 10-20 साल पहले उनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल था। उस समय कोई आपको कहता कि आपको आपकी ट्रेन लाइव किस स्टेशन पे रुक रही है, आपको आपके हाथ पे आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें दिखाई देगा, आपको यकीन नहीं आता। आप कहीं जा रहे हो, आपको ट्रैफिक की लाइव जानकारी मिलेगी, आपको यह बोला जाता तो आपको कभी यकीन नहीं होता। आप किसी शहर में जा रहे हो, वहां पे वेदर की आपको लाइव जानकारी मिलेगी आपके फोन पे, आपको यह बोला जाता तो आपको कभी यकीन नहीं होता। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो कि आपको बोला जाता तो आपको कभी यकीन नहीं होता। ये वीडियो भी जो आप देख रहे हैं अपने घर पे बैठ के, अगर आज से 20-25 साल पहले आपको कोई बोलता कि कोई ऐसी चीज होगी जिसमें कहीं से भी दुनिया के कोने से कोई आदमी कोई रिकॉर्ड करेगा कुछ और आप उसे एक सेकंड में देख पाओगे, अगर ये बोला जाता तो आप कभी यकीन नहीं करते। इसलिए कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज जब आ रही है,
उसको जल्दी से खारिज मत कीजिए, उसके अंदर ये मत सोचिए कि इसमें बहुत बुराई है। वो चीज कहीं ना कहीं इट सेल्फ बबल हो सकती है, क्योंकि भाव का जो बिहेवियर है वो एक खास तरह से मूवमेंट करता है, उसका एक खास तरीका है काम करने का, और जहां पे भी एक्सपोनेंशियल राइज आएगा, जहां पे भी बहुत सीधी चाल आएगी, वहां पर सीधी गिरावट भी आएगी। ये सच्चाई हर एक पे लागू होती है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो। आपने ऑयल में भी देखा ना, पिछले 4-5 साल पहले एकदम से $30-40 का ऑयल $150 चला गया, उसके बाद सीधा वापस 30 आ गया, वहां पे भी बबल बना। ऐसे जिसमें भी सीधी चाल आएगी उसमें सीधी गिरावट भी आएगी, ये मार्केट का कानून है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें जल्दी से खारिज नहीं करना है, हमको उसके बारे में सोचना है, थोड़ा समय देना है अपने आप को भी, उस टेक्नोलॉजी को भी, और देखना है कि क्या वो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में कोई चेंज ला सकती है या नहीं ला सकती।